हेलो गाइस, माई सेल्फ डॉक्टर चंद्रशेखर वर्मा एंड करेंटली आई एम वर्किंग एज अ ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर। सो इन दिस वीडियो आई विल डिस्कस अबाउट हाउ टू बिकम अ कार्डियोलॉजिस्ट। मेरा भी सपना है कि मैं इन फ्यूचर बाद में एमडी करने के बाद डीएम कार्डियोलॉजिस्ट ही करूं। सो इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट हाउ मनी ईयर इट टेक्स टू बिकम अ सक्सेसफुल कार्डियोलॉजिस्ट। सो हम बात करेंगे एक्सपेक्टेड ईयर की। अगर कोई एक एस्पिरेंट है जो नीट यूजी अभी देना चाह रहा है तो उनको कितने साल लगेंगे एज अ थ्योरिटिकल उनको कार्डियोलॉजिस्ट बनने में। सो एक्सपेक्टेड ईयर की बात करेंगे अगर थ्योरिटिकल बेसिस पे, फिर मैं आपको प्रैक्टिकल भी बताऊंगा कि एक्चुअल में कार्डियोलॉजिस्ट बनने में एक्चुअल ईयर कितने लगते हैं, वो आपके एक्सपेक्टेशन से भी बहुत ज़्यादा है। सो उसमें मैं रिवील करूंगा कि एक्सपेक्टेड ईयर कितने लगते हैं। सो पहले बात करते हैं थ्योरिटिकल बेसिस पे कि एक्सपेक्टेड कितना ईयर लग सकता है कार्डियोलॉजिस्ट बनने में। सो पहले आपको नीट यूजी देना होगा। नीट यूजी में क्वालिफाइड होने के बाद आपको एमबीबीएस होगा जो कि होगा 5.5 ईयर का, 5.5 साल का एमबीबीएस होगा। देन आपको नीट यूजी क्लियर करना पड़ेगा, नीट पीजी आपको क्लियर करना होगा। जैसे आपने नीट यूजी दिया था वैसे ही आपको एमडी या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए आपको नीट पीजी देना पड़ेगा और नीट पीजी में आपको एमडी मेडिसिन करना पड़ेगा। और एमडी मेडिसिन लेना कोई हवे की बात नहीं है, बहुत टफ है। जितने भी टॉपर्स होते हैं वो एमडी मेडिसिन ही परस्यू करते हैं, अदरवाइज जो लोअर रैंकर रहते हैं वो अदर ब्रांच कंसिडर करते हैं, बट जो टॉपर रहते हैं वो जनरली एमडी मेडिसिन ही प्रीफर करते हैं। सो एमडी मेडिसिन भी कर सकते हैं या फिर डीएनबी मेडिसिन, दोनों चलेगा। सो एमडी मेडिसिन 3 साल का होता है। अब उसके बाद अगर आपको एक्चुअल कार्डियोलॉजिस्ट बनना है तो इसके बाद एमडी मेडिसिन करने के बाद या फिर डीएनबी मेडिसिन करने के बाद आपको नीट एसएस देना पड़ेगा, नीट सुपर स्पेशलाइजेशन। पहले नीट यूजी, देन आपको नीट पीजी देना है, फिर नीट एसएस सुपर स्पेशलाइजेशन। सो नीट एसएस क्वालिफाई, उसमें भी जो टॉप रैंकर्स होते हैं वो क्वालिफाइड होते हैं डीएम कार्डियोलॉजिस्ट के लिए। अदर डीएम नेफ्रो के लिए भी क्वालिफाइड होते हैं, कुछ कुछ डीएम नेफ्रो के लिए भी चले जाते हैं, लेकिन जो टॉप रैंकर्स होते हैं उनको डीएम कार्डियोलॉजिस्ट के लिए सेलेक्ट किया जाता है। जब आप डीएम कार्डियोलॉजिस्ट करेंगे तो वो 3 साल का होता है। और टोटल एक्सपेक्टेड ईयर, ये थ्योरिटिकल है, अगर कोई भी एस्पिरेंट देख रहा होगा तो उनको एक्सपेक्टेड ईयर देख के बहुत कम लग रहा होगा, बट इसके बाद मैं ग्राउंड रियलिटी में आपको बताऊंगा कि एक्चुअल में कितने साल लग जाते हैं। सो यहाँ एक्सपेक्टेड ईयर हम थ्योरिटिकल बेसिस में अगर कर रहे हैं तो 11.5 ईयर, अप्रोक्सीमेशन में आप 12 साल ले सकते हैं। सो आपको एक सुपर स्पेशलाइजेशन मीन्स डीएम कार्डियोलॉजिस्ट बनने में आपको 12 साल, रफली 12 साल आपको लगेंगे मिनिमम। अगर किसी का ड्रीम है कि कार्डियोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं तो उनको मिनिमम 12 साल तो आपके लाइफ के जो प्रीशियस 12 साल हैं वो आपको मेडिकल साइंस में डेडिकेट करना पड़ेगा, तब जाकर एक डॉक्टर कार्डियोलॉजिस्ट बन पाता है। इसके पीछे बहुत ज़्यादा मेहनत है, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स होते हैं, बहुत मेहनत करना पड़ता है तब जाके कोई कार्डियोलॉजिस्ट बनता है। मेरा भी सपना है कि मैं कार्डियोलॉजिस्ट बनूं, सो उसी वे में मैं अभी मेहनत कर रहा हूं। सो अब बात करते हैं रियलिटी का, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि एस्पिरेंट, क्योंकि ये तो थ्योरिटिकल बेसिस है कि कोई भी टॉपर हो गया वो या तो नीट यूजी फर्स्ट टाइम में अटेम्प्ट में क्लियर कर सकता है, नीट पीजी में भी कुछ ही फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर पाते हैं, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ जो केसेस हैं उसमें वो ज़रूर ड्रॉप लेते हैं। सो अगर ड्रॉप भी मैं कंसिडर करूँ, अगर रियलिटी की बात करूं तो नीट यूजी क्वालिफाइड करने के लिए 1 से 2 साल मिनिमम ड्रॉप लग ही जाते हैं। अभी कंपटीशन इतना हाई है कि नीट यूजी देने में 1 से 2 साल ड्रॉप अभी कॉमन है, कई कई तो 5 साल 6 साल ड्रॉप भी लेते हैं। सो कंपटीशन इतना हाई है। उसके बाद नीट यूजी में क्वालिफाइड होने के बाद आप एमबीबीएस करेंगे, नीट यूजी में ड्रॉप भी आप कैलकुलेट कर लीजिए, 2 साल कैलकुलेट करता हूँ, एमबीबीएस 5.5 साल का है। फिर उसके बाद आप नीट पीजी देने के लिए आपको, और नीट यूजी से ज़्यादा टफ है नीट पीजी, क्योंकि यहाँ पूरे क्वालिफाइड डॉक्टर हैं तो उनमें आपको कॉम्पीट करना है, कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा हाई है। सो आपको नीट पीजी मिनिमम 2 साल तो ड्रॉप लगते ही है, मेरा ये 2nd साल ड्रॉप है,
नीट पीजी क्वालिफाई करने के लिए 2 साल तो लगते ही हैं। उसके बाद अगर आप नीट पीजी क्वालिफाई करेंगे, उसके बाद आप पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे एमडी मेडिसिन या फिर डीएनबी मेडिसिन करेंगे, वो आपको 3 साल लग जाएंगे, 2 साल ड्रॉप का, 3 साल एमडी करने के लिए। उसके बाद नीट एसएस मिनिमम मैं 1 साल का ड्रॉप दे रहा हूँ, 1 साल का ड्रॉप लेंगे तो जनरली नीट एसएस क्लियर हो जाता है। मैंने कुछ कुछ अपने सीनियर से बात किया तो वो मुझे बताया कि 1 साल में इन जनरल जो अच्छा मेहनत करता है वो नीट एसएस क्लियर कर पाता है। सो उसके बाद आपको डीएम कार्डियोलॉजिस्ट करना पड़ेगा जो कि 3 साल का होता है। अब टोटल मैं इसको कैलकुलेट करूँ तो टोटल हो जाएगा 11.5 ईयर। 5 ईयर तो आपको ड्रॉप में ले लिया, 2 साल का ड्रॉप नीट यूजी में, 2 साल का ड्रॉप नीट पीजी के लिए और 1 साल का ड्रॉप नीट एसएस के लिए, तो टोटल 5 साल तो ड्रॉप में ही चले गए। उसके बाद 2 साल का बॉन्ड भी है, कार्डियोलॉजिस्ट भी बनेंगे आप एमबीबीएस के बाद भी 2 साल का बॉन्ड है। मीन्स छत्तीसगढ़ का मैं बता रहा हूँ, अदर स्टेट में डिफर करता है, जैसे ऑल इंडिया वाले रहते हैं उनको बॉन्ड नहीं लगता, लेकिन जो स्टेट कोटा से जो स्टूडेंट्स आते हैं उनको बॉन्ड लगता है। जैसे छत्तीसगढ़ में 2 साल का बॉन्ड है, इवन आफ्टर डूइंग पीजी आई हैव टू डू 2 ईयर्स ऑफ कंपलसरी रूरल बॉन्ड, मुझे 2 साल का बॉन्ड देना पड़ेगा, मीन्स टोटल 4 साल तो वैसे भी हो गए। और नीट एसएस के बाद 1 या 2 साल का भी बॉन्ड रहेगा तो टोटल 6 साल तो बॉन्ड ही हो गया। और उस बॉन्ड में मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ ड्रॉप ईयर में, क्योंकि अगर बॉन्ड में रहेंगे तो उसमें तो ऑब्वियस ही बात है आप तैयारी करेंगे, तो इसीलिए मैं उसको एज अ ड्रॉप ईयर में काउंट किया हूँ। और 2 साल का जो कार्डियोलॉजिस्ट बनने उसके बाद 2 साल का और बॉन्ड रहेगा, तो टोटल आपको इन रियलिटी 16.5 ईयर लग रहे हैं, मीन्स 16.5 साल लग रहे हैं अगर रियलिटी में कैलकुलेट करूँ एक कार्डियोलॉजिस्ट बनने में, आपके नाम के आगे हृदय रोग विशेषज्ञ लिखवाने में आपको 16.5 साल लग जाएंगे, 16.5 ईयर्स ऑफ योर प्रीशियस लाइफ। सो आई होप गाइस ये वीडियो आपको यूजफुल लगा होगा, जो भी नीट या फिर कार्डियोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं उनके लिए वीडियो बून होगा, या फिर जो एस्पिरेंट है जो अपने सपने देख रहे हैं कि मुझे बाद में कार्डियोलॉजिस्ट बनना है, तो उनके लिए एक रफ आइडिया होगा कि कैसे हम स्टेप बाय स्टेप कार्डियोलॉजिस्ट की ओर अग्रसर हो सकते हैं। मीन्स स्टेप बाय स्टेप आप ये वीडियो या फिर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका और ये वीडियो भी देख सकते हैं, और जो भी कार्डियोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं उनके पास भी ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। सो थैंक यू गाइज़।